326 विधानसभा चौरी चौरा के सरदार नगर ब्लॉक मुख्यालय पर बांसगांव के सांसद माननीय कमलेश पासवान जी एवं चौरी चौरा के लोकप्रिय नेता अजय कुमार सिंह टप्पी भैया जी के नेतृत्व में हजारों हजार किसान तथा कार्यकर्ता ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचे तथा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के किसानों से सीधा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के किसानों की समस्याओं को सुने तथा उसके निराकरण हेतु तथा सरकार की उपलब्धियों को किसानों से अवगत कराते हुए कृषि सुधार बिल तथा किसानों के लिए बनाया गया अत्यंत ही लाभकारी कानून के विषय में अवगत कराते हुए तथा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों तथा आम जनता को यह बताया कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से किसानों के हित में बनाया गया किसान कानून बिल वापस लेने की बात की जा रही है, लेकिन मैं बार बार पूछता हूँ कि उसमें जो कमियां हो उसको बताएं, उसमें सुधार होगा। इस पर कुछ मुट्ठी भर लोग कमियों को न बताते हुए भोले भाले किसानों को गुमराह करके सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता गण राजकुमार व्यास, प्रकाश चंद मिन्हे, धनंजय सिंह कौशिक, श्री बल्लभ दुबे, बेचू बोध, सर्वजीत सिंह, संपूर्णानंद पांडे, नितेश कुमार पांडे, सुरेंद्र सिंह बड़े बाबू, सुरेंद्र सिंह मतौनी, सुभाष सिंह, गुलाब भारती, सचिन भारती, शैलेंद्र पासवान, रामसरन चौधरी, दरोगा राजभर, मुराद आलम, राकेश वर्मा, सुदामा राजभर, पवन सिंह, राजू सिंह, विजेंद्र सिंह, अजय कनौजिया, विवेक कनौजिया, विनोद विश्वकर्मा, मनोज कुमार मौर्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जी, आज पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय अटल जी की जयंती हम लोग अपने कुटामा कार्यालय पे मनाए हैं, जिसमें हम लोग वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता बाबू छेदी सिंह जी, राजकुमार व्यास जी, प्रकाश चंद जी सभासद और वल्लभ दुबे जी, ऐसे तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग उनकी जयंती मनाई गई है। यहाँ कुटामा कार्यालय पर उनको याद किया गया है, उनके बारे में सब लोग अपना विचार रखे हैं। आज जयंती के अवसर पे प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को संबोधित किया गया है, तो आपकी क्या राय किसानों के प्रति? किसानों से ही हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है हमारा, किसानों के लिए ही सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं। कुछ लोग जो देश के खिलाफ हैं, राष्ट्र के खिलाफ हैं, वो मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं किसानों को, उनके बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं, जबकि हर तरह से वार्ता को मोदी जी तैयार है, सरकार तैयार है, देश की जनता जान रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हैं, वो आपने सुना होगा मोदी जी के भाषण को, मोदी जी ने सारी चीज़ों को जनता से, किसानों से डायरेक्ट बात करके सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई समस्या है ही नहीं तो किसानों के हित के लिए, किसानों के आय को दुगनी करने के लिए, किसानों की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन देश विरोधी ताकतें ये नहीं चाहते कि हमारे देश के किसान खुशहाल हों, सम्पन्न हों। कानून बिल को लेकर के किसान जो धरने पर बैठ रहे हैं, क्या है, आप कुछ लोगों की नाम ले रहे हैं कि कुछ लोग मुट्ठी भर लोग इस तरह का आक्रमण फैला रहे हैं, उन लोगों का नाम भी है क्या? बिल्कुल, आप खुद देख रहे हैं, आप वहाँ पे मीडिया लगी हुई है, ये विपक्षी लोग हैं और पंजाब से ही ज़्यादातर लोग हैं जो आपके गलत धंधों में इन्वॉल्व हैं, जो ट्रक माफिया हैं वो लोग लगे हुए हैं कि इस तरह के लोग रैकेट को रोकने के लिए। आप देखिए, आतंकवादियों को छोड़ने के लिए वहाँ पर बात की जा रही है, टोल नाके को ख़त्म करने की बात की जा रही है। किसान मुद्दे से इन मुद्दों का क्या मतलब है? उनको सीधे मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री तैयार है, देश का कृषि मंत्री तैयार है आपसे वार्ता के लिए, आप कह रहे हैं नहीं कानून हटा दीजिए, कानून की आप कमी तो बताइए, आप कानून की कोई कमी बता नहीं रहे, केवल आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ऐसे देश नहीं चलता है। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन उन बातों का कोई आधार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। देश की जनता हमारे मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है। ठीक है, हवा ये सरदार नगर के ब्लॉक पे, मुख्य ब्लॉक पे आप लोग सांसद से मुलाकात हुआ, किसानों से आप लोग संवाद किए, किसानों को क्या राय दी है, किसानों को कैसे समझाएं आप लोग? किसानों को हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय कमलेश पासवान जी ने अपने हिसाब से जो भी आया है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का 6 पृष्ठ का पत्र जारी हुआ है, किसानों के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक एक चीज़ स्पष्ट है कि कहीं कोई गलतफहमी न रहे। सांसद जी ने भी यही समझाया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही समझाया है, और किसान, देश का किसान, आप देखे हैं, आप लोग खुद गए हैं ब्लॉक में, किसी किसान के अंदर कोई विरोध नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब आप मान के चलिए किसान है, चाहे व्यास जी हों, चाहे अब बाबू छेदी सिंह जी हों, चाहे बल्लभ दुबे जी, चाहे हम लोग हैं, हम लोग सब किसान हैं, हम लोगों को कोई विरोध नहीं है। आपके कार्यालय पे जनसभा लगती है, कई लोग पीड़ित आते हैं, वो पीड़ितों को आप किस तरह देखते हैं, कैसे उनके मामले को सुलझाते हैं, कुछ बताने का?
सुलझाते क्या, हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी है किसी भी, हम यहाँ पे कोई दली बाध्यता नहीं है कि आप सपा के हैं, बसपा के हैं, भाजपा के हैं, तभी आपकी काम सुने जाएंगे। यहाँ पे जो भी आएगा, इस देश का नागरिक है, इस क्षेत्र की जनता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका, हम लोग समाज सेवा का काम करते हैं, उनका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी संभव हो उनकी मदद की जाए। ये अपना नाम बता दीजिए। अजय कुमार सिंह टप्पा।